हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो यार आज मैं आप लोगों को अपने आईडी का कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, जिस आईडी से मैं खेलता हूँ। बाकी वैसे तो मेरे पास दो आईडियाँ हैं, लेकिन उन दोनों आईडियों का मैं बाद में कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगा अगले पार्ट तो में। चलो यार, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास करेक्टर कितने हैं। यानी मेरे पास तो यार मेरे पास हैं सारे के सारे करेक्टर। अभी जो न्यू करेक्टर्स आए हैं वो वाले नहीं हैं, और मैं उनको लेने भी नहीं वाला, क्योंकि यार अभी इसमें मैं एक भी पैसा नहीं लगाता गेम में। और अब इसके बाद देखते हैं अपन लोग वॉल्ट पे हमारे पास कितने ज़्यादा आउटफिट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और भाई तुम बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हो, लेकिन देख लो यार मेरे पास केवल 137 आउट मतलब हेड हैं। तो यार इसमें आधे से अधिक गर करेक्टर के हैं और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैं, और मैंने जो जितने भी राइट पास लिए हैं उनके हैं। बाकी इवेंट्स जितने भी मैं बटन निकाला हूँ वो बहुत कम ही होंगे। देख लो BTS का है और बाकी इधर सभी राइट पास हैं, और नीचे साइड थोड़ा बहुत ये फ्री वाले हैं, और इधर मैंने जो एक आध दो बंडल निकाले थे उनके हैं हेड। और मेरे पास मास के यार 87 है, जिनमें से आधे गर्ल के हैं और आधे बॉयज के, और बाकी सब फ्री। और मेरे पास फेस प्रिंट 35 हैं। और बताना यार कौन सा आप लोगों को अच्छा लगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मुझे तो एक गोल्डन वाला अच्छा लगता है, और एक जिस पे इंडिया का लोगो बना हुआ है, इंडिया का फ्लैग बना हुआ है। और मेरे पास टी शर्ट मतलब टॉप है 242, जिसमें से ये कोबरा वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी वाइट टी शर्ट मैंने पहनाई थी वो भी अच्छी है, और बाकी एक देख सकते हो ये वाला बंडल है, और बाकी सारे के सारे राइट पास के हैं। और कुछ मैंने इवेंट्स निकाले थे, कुछ मेरे पास फ्री के मैजिक क्यूब से निकाले गए बंडल्स हैं। कुछ मैंने इनक्यूबेटर में ज़्यादा नहीं निकालता, लेकिन कुछ निकाले थे मैंने। और डायमंड ऑयल के मेरे पास कुछ हैं, कुछ इवेंट के हैं। मेरे पास डायमंड ऑयल के भी बहुत सारे बंडल हैं, ज़्यादातर मुझे कार्ड से मिल जाते हैं, डायमंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। और यार ये बंडल मुझे शायद से इवेंट से मिला था, बुया डे बंडल जो अभी आप लोगों ने देखा। और बाकी ये कि ये शायद अभी मिस्ट्री शॉप में कुछ दिन पहले आया था, कुछ मंथ्स पहले। और बाकी इधर टी शर्ट आप लोग देख सकते हो, मेरे पास केवल 3 टी शर्ट्स हैं, एक येलो, एक वाइट और एक रेड। मुझे सबसे अच्छी येलो वाली लगती है, और एक मेरे पास ये ब्लैक है। और हाँ यार एक बात और बतानी थी कि जितनी भी मेरे पास गर्ल करेक्टर के आउटफिट्स हैं ना यार, सब कुछ फ्री में है। मैंने गर्ल करेक्टर के लिए एक भी डायमंड नहीं लगाए थे निकालने के लिए उनके आउटफिट्स को। और बाकी मेरे पास पैंट्स हैं 161 और शूज 146, और देख सकते हो एक मनी हिस्ट का बंडल है, और एक ये वाला क्या बोलते हैं यार इसको, ब्लू फिनिक्स। और इमोट है 43, इसमें से कुछ रेयर हैं और कुछ तो भाई अभी भी मिल जाते हैं स्टोर पे। लोली मोर तो हटा दिए लगता है स्टोर से, मैं देखा नहीं अभी। और हाँ यार आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को सबसे अच्छा इमोट कौन सा लगा। और मेरे पास एनिमेशन पे 2 हैं, एक ये कार वाला और एक ये बाइक वाला कोबरा का, और बाकी लुक चेंजर नहीं है मेरे पास। और मेरे पास बैग है 73, और मैं अभी आप लोग को अपने फेवरेट बैग दिखा रहा हूँ, उन्हीं पे क्लिक कर रहा हूँ। बाकी देख सकते हो जो जो फेवरेट है उन्हीं बस को मैं दिखा रहा हूँ, बाकी तो सब यार फ्री वाले ही हैं। आप लोग भी कमेंट करके बता देना आप लोग के पास कौन सी चीज़ें मेरे से ज़्यादा हैं, बैकपैक ज़्यादा है या फिर लूट बॉक्स या फिर पैरासूट, कुछ भी अगर ज़्यादा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। लूट बॉक्स मेरे पास 49 है, पैरासूट 49, पैरासूट और लूट बॉक्स बराबर है यार। और ये वाली लूट बॉक्स तो जानते ही होगे यार कितनी खतरनाक है, मतलब सीजन 30 की है, खतरनाक तो नहीं कह सकते बट अच्छी लगती है यार। जब से मैंने इलाइट पास लेना शुरू किया ना यार, तो इलाइट पास के बंडल उतने अच्छे नहीं आते थे सीजन 30 के बाद से, ये मैंने देखा यार कुछ ही थे अच्छे। और कार की स्किन देख लो यार, मेरे पास 13 है स्पोर्ट्स कार की, और बाइक की हैं 10, जिनमें से 2 मिथिक हैं और बाकी सब ऐसे नॉर्मल हैं। और कार की भी देख सकते हो मेरे पास 4 मिथिक हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं।
मैंने यार जीप की ज़्यादातर इलाइट पास से ली हैं और एक बस मैंने इवेंट से निकाली थी। और इधर मेरे पास देख लो यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। एवोल्यूशन स्टोन मेरे को बहुत ज़्यादा निकालते हैं। देख लो मेरे पास 21 एवोल्यूशन स्टोन है और 2 मैजिक क्यूब भी। मेरे को मैजिक क्यूब और एवोल्यूशन स्टोन बहुत ज़्यादा निकलता है, पता नहीं क्यों। और ये 2 बंडल मैंने निकाले थे जो कि अभी रखे हैं मेरे पास। अभी मैं इनको ओपन करते तो मेरा कलेक्शन थोड़ी सा और बढ़ गया। ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है बट बढ़ गया। और अभी अपन लोग चलो देखते हैं पेट मेरे पास कितने हैं। मेरे पास लगभग 10 या 12 हैं। चलो यार, अब पेट तो आप लोगों ने देख लिया, अब चलो गन देखते हैं मेरे पास गन का कलेक्शन कितना है। ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादातर फ्री वाले हैं। और एवो पे मेरे पास 4 एवो, जिनमें से एक मैक्स है पूरी M10 और बाकी सब 5-5 लेवल की हैं। और उतना कराना भी चाहिए यार, 5 लेवल पे एकदम अच्छे से चलती हैं। और बाकी ये देख लो, इनको भी निकालूंगा बट अगले साल। और बाकी मेरे पास M4A1 की ये वाली है और बाकी सब नॉर्मल ही हैं, सब ऐसे ही हैं फ्री की, जितनी भी फ्री में मिली थी वही वाली बस है। और स्कार पे देख सकते हो यार, कीपर्ड स्कार ये भी मुझे फ्री में मिल गई थी, ग्रोजा भी फ्री में मिली थी, फमास भी फ्री में मिली, एक्समेट को मैं निकाला था, N94 भी मुझे लगभग फ्री में मिल गई थी क्योंकि मैंने कार्ड से स्पिन किया था तो मुझे मिल गए थे ब्लू प्रिंट्स, तो मैंने निकाल ली इनक्यूबेटर फिर। और SKS भी फ्री में है, बाकी इधर सब मेरे पास फ्री में है बस वो एवो गन्स को छोड़कर। मैंने किसी के लिए भी डायमंड्स नहीं लगाया कि मतलब इसी स्किन को निकालने के लिए मैं डायमंड्स लगाऊँ। देख लो यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हो, तुम ये करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास स्किन है। देख लो यार, सब फ्री की हैं, मैं भी फ्री की यूज करती हूँ, MP भी मेरे पास फ्री की है, MP5 भी फ्री की। कुछ ही मैं मेन गन है जो मैं निकाला हूँ, जैसे थॉमसन की हो गई, MP40, जो अच्छी मतलब जो जिनकी मेरे पास अच्छे से स्किन नहीं थी, जैसे M10 की अच्छे से स्किन नहीं थी, और शॉटगन की M187 तैयार 1 पंचमैन बहुत ही खतरनाक है इस। और हाँ यार देख लो, मेरे को विंटरलैंड भी निकल गई थी, फ्री में निकल गई थी, मैं स्पिन कर रहा था बट वो निकालने के लिए ब्लैक टी शर्ट तो मुझे मिल गई थी। और AWM भी मैं इमोट निकाल रहा था शायद, उस पर इमोट आया था, मुझे नहीं याद यार, बस मिल गई। पैन मेरे पास 10 है, देख लो यार सब फ्री वाले ही हैं। और परांग भी मेरे पास फ्री वाले ही हैं जितने भी हैं, और बैट भी जितने हैं सब फ्री वाले हैं। एक तो मैंने परांग पे शायद से एक मैंने निकाला था टॉपअप से, और बाकी कटाना तो यार टॉपअप वाली हैं क्योंकि कटाना फ्री में नहीं मिलती, एक आध दो कभी कभार मिलती हैं। ये सब भी मैंने इवेंट से निकाले थे, और ये चक्कू की स्किन भी फ्री में, और मेरे पास फिस्ट की 3 हैं। और हाँ यार, आप लोग बता देना सबसे अच्छा आप लोग को किस चीज़ का कलेक्शन अच्छा लगा, मेरे गन का कलेक्शन अच्छा है कि या फिर मेरे आउटफिट्स का कलेक्शन अच्छा है। अगर नहीं अच्छा है तो भी बता देना यार। और ग्लू वॉल देख लो। तो यार, अगर आप लोगों को मेरे भाइयों की आईडी का कलेक्शन देखना है तो कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा उनके आईडियों का भी कलेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना।